चलिए गाइस, आज की इस वीडियो शुरू करते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने थंबनेल देखा है और वही रहेगा जो आपने थंबनेल में देखा है, ठीक है। प्रयोगशाला परिचालन एग्जाम नवंबर में संभव है, इस वीडियो को अंत तक देख के जरूर जाएगा। देखेंगे प्रयोगशाला परिचालन में, जिसमें 60 अंकों के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और किस टॉपिक से आपको पढ़ना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना जो तैयारी कर रहे हैं प्रयोगशाला परिचालन। इस वीडियो को अंतिम तक देखना है, छोड़ के मत जाना, अगर छोड़ के जाओगे तो पछताओगे, ठीक है। सबसे पहले बात अब देखेंगे प्रयोगशाला परिचालक टोटल कितने पद हैं। 880 पद है जिसमें प्रयोगशाला परिचालक का है, और इसमें चौकीदार का 210 पद है, भृत्य का 210 पद है, स्वीपर का 30 पद। इन तीनों को मिलाकर आपका 430 के आसपास, दोनों मिलाएंगे कितना हो जाएगा आपको 880 पद के आसपास बढ़ रहा है, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखना अंत तक, छोड़ के मत जाना वरना पछताओगे। पहली बार आप सेशन को पहले से लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं प्रयोगशाला परिचालक, जिसमें भौतिक का कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपके स्क्रीन पर देख पा रहा होगा, ठीक है। तो गति, गति यानी कि फिजिक्स, पहले बात करेंगे फिजिक्स के, जिसमें राशियां यानी कि गति के नियम, गति के नियम से गति का प्रथम नियम क्या है, गति का द्वितीय नियम क्या है, तृतीय नियम क्या है, या गति के जड़त्व नियम क्या है, इसे कौन से नियम कहते हैं, यहाँ से इस टॉपिक के प्रश्न बनेंगे। मतलब फिजिक्स से कौन कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार जितने भी टॉपिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अंत तक देखना वीडियो को, कहीं जाइएगा मत, वीडियो छोड़ के जाओगे पछताओगे। प्रकाश, प्रकाश से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो जो टॉपिक बता रहा आप पढ़ के सभी जा रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक के जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ, जो हिंट आपको दे रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे संभव पूछे जाएंगे। आप नवीं दसवीं का स्तर ही पढ़ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मत पढ़ो करके, है ना, नवीं दसवीं का बुक पढ़ो, लेकिन मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उसको अच्छे से कवर करके जाएंगे तो आपको एग्जाम ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे वर्णक्रम, इसके बाद है अपवर्तन, परावर्तन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परावर्तन के नियम क्या है, अपवर्तन क्या है, ये किस प्रकार का टॉपिक है ना। तो क्रांति कोण का मान क्या है, दृष्टि दोष लेंस, ये कौन सा लेंस है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जैसे वो मरीचिका और रेगिस्तान का मरीचिका है ना, जैसे फल तोड़ते हैं आकाश से टूटा हुआ फल कैसा होता है, ये आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे चक्कर से पीछे की ओर झुकना, आगे को झुकना, ये सब एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और बनते भी हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। ध्यान से समझना, दर्पण, दर्पण से भी पूछा जाता है, ठीक है। व्यतिकरण, तरंग धैर्य, तरंग धैर्य में कौन सा दिखा है, कौन सा काम है, किस तरंग धैर्य का, रेलवे पटरी जो रहता है ये कौन सी आवाज सुनाई दे रही है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना, इतने मैंने सब इस टॉपिक को लेकर आए हैं। और ऐसे ही अगर आपको छत्तीसगढ़ का जीएसबी अगर इस टॉपिक में प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, इस प्रकार के प्रश्न हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब देखेंगे ध्वनि, ध्वनि में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्वनि आपको आएगा आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति प्रश्रव्य ध्वनि कौन सा है, अश्रव्य ध्वनि कौन सा है, ध्वनि से बहुत सारे टॉपिक बनते हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद विद्युत, अब विद्युत में क्या आएगा, अब विद्युत में आवृत्ति है आपका मोटर, बैटरी, डायनेमो, ट्रांसफर, मतलब ये कौन सा डायनेमो ट्रांसफर है, ये एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में बल्ब, बल्ब का कौन सा फिलामेंट है, यानी टंगस्टन का कौन सा तार का बना हुआ है, इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। फ्यूज है, इसमें कौन सी गैस भरा गया है, या बल्ब में कौन सी गैस भरी हुई है, या वायु को गुलगुला कैसा कैसा व्यवहार करता है, इस प्रकार के टॉपिक एग्जाम में बनते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ ऊर्जा, अब ऊर्जा है उसमें, ऊर्जा में कोई ना कोई क्वेश्चन बनाएगा ही, तो ऊर्जा क्या है, गति की ऊर्जा है, स्थिति की ऊर्जा है, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। अब मैं बात करूँ बल, आप केंद्रीय बल, ये गुणत्व, जड़त्व, आघूर्ण, ये सब एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तरंग, अब तरंग में क्या क्या पढ़ाओगे, तरंग में कौन कौन सा था, गामा तरंग है, एक्स किरण है ना, और वाई किरण है, और ये द्रव्य तरंग, एक्सरे, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक। अब है मात्रक, अब मात्रक में क्या क्या पढ़ते हो, जैसे गुलाम का ऐसा मात्रक क्या है, या ऐसा ही मात्रक पूछा जाता है ना, तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, या न्यूटन, ये सब ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक। अब चलिए अब आते हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से, बायोलॉजी में क्या क्या पूछा जाएगा, तो बायोलॉजी में आप देखेंगे रोग, यानी कि रोग से एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं जीवाणु और विषाणु से, आप लोग उसको पहले टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो रोग में आ जाएगा, उसके बाद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो परिसंचरण तंत्र हम देखेंगे, मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। वीडियो को जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे वीडियो में बताया होगा, लेकिन मैं जो टॉपिक जो बार बार पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक को मैं यहाँ पर नोट्स में लिखा हूँ, इसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि जो और तैयारी कर रहे हैं उनको यह वीडियो मिल सके, ठीक है। अब देखेंगे
परिसंचरण तंत्र, अब परिसंचरण तंत्र में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो परिसंचरण तंत्र वह है, देखिए यहाँ पर धमनियाँ हैं, सीरा है, फेफड़े हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी है ना, ब्लड ग्रुप के कौन सा ब्लड ग्रुप है, या फिर ध्वनि धमनी यहाँ सीरा, ये सब फेफड़े, ये सब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, जो जो टॉपिक बनते हैं उसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, ऑथेंटिक टर्म पर। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र लाल, अब लाल मतलब इसका पीएच मान कितना है, ऐसे ऐसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक है, अमाशय है ना, लीवर है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, और विटामिन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी विटामिन है, बहुत सारे विटामिन, विटामिन ए बी सी है ना, जल में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन, इस प्रकार के ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे जल में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है, ठीक, और यहाँ पर विटामिन ए या विटामिन के था रक्त थक्का किस प्रकार में जमता है, विटामिन के, ये इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक। अब बताओ कोशिका, कोशिका मतलब सेल्स, ठीक है, कोशिका क्या है, कोशिका का विभाजन कैसा होता है, गुणसूत्र क्या है, ऐसे एग्जाम में प्रश्न होते हैं, ठीक है, तो गुणसूत्र, गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, ये एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर फैक्ट्री है, कोशिका रसोई घर, तो कोशिका का रसोई घर किसे कहा गया है, या माइटोकांड्रिया है, ये सब एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। गुणसूत्र विज्ञान की शाखाएं, अब विज्ञान की शाखाएं जैसे अध्ययन से पूछे जाने वाले, जैसे जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, इसके जनक कौन है, है ना, ये सब अध्ययन वाले टॉपिक पूछे जाते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री उतना ज्यादा नहीं है, मिश्र धातु है, मिश्र धातु पीतल जर्मन सिल्वर गन मेटल, ठीक, और ईंधन में वाटर है, प्रोड्यूसर गैस एलपीजी सीएनजी, इस प्रकार के, और पदार्थ की जो अवस्था है वाष्पीकरण संघनन और अपकेंद्रीय बल, परमाणु संरचना अम्ल क्षार और लवण, इतना हम लोग पढ़ के जा सकते हैं। तो मेन टॉपिक आपका